रिएक्शन होने वाला है वो काफी चर्चित होने वाला, क्योंकि जो आजकल मतलब जितने भी पाकिस्तानी मतलब जो टेलीविजन है उस पर जब ये मतलब न्यूज आई थी वो छा गई थी मतलब हर पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे। और दोस्तों उसका टाइटल है मलाला यूसुफ निकाह, नोबल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रचाई शादी। मतलब कि दोस्तों जैसे कि आप जानते हो मलाला यूसुफजई है, उन्होंने नोबल शांति का नोबल पुरस्कार मिला, काफी चर्चित रहा था वो मामला जब उनको आतंकवादियों ने गोली मारी थी सिर पे, और वो जब इलाज करने के लिए इंग्लैंड में गई थी, उन्होंने आके जो मतलब कि जो शांति का काम करा के उन्होंने काफी चर्चित में रहा था। और उसी माध्यम से आज ये वीडियो में हम जाने कैसे क्या रहा उनके, जो इनकी शादी के चर्चे भी बहुत मतलब कि आजकल बहुत चल रहे हैं मीडिया में। सो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में शादी कर ली है। 24 वर्ष मलाला ने असर मलिक के साथ निकाह किया और अपनी शादी को अपने जीवन का एक अहम दिन बताया। पाकिस्तान की जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता को तालिबान चरमपंथियों ने 2012 में सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बर्मिंघम लाया गया और तब से वो वहीं रह रही हैं। मलाला ने अपनी शादी की जानकारी खुद ट्विटर पर दी और लिखा, असर और मैंने जीवन साथी बनने के लिए डोर बांध ली है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि कैसे उन दोनों ने परिवार के साथ एक छोटे समारोह में निकाह किया। मलाला ने लिखा, हम भावी जीवन यात्रा पर साथ यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं। मलाला की शादी के इस ट्वीट को उनके लाखों प्रशंसकों ने लाइक किया और हजारों ने उन्हें और उनके पति को शुभकामनाएं दी। मलाला यूसुफजई क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और कई बार अपने इंटरव्यूज में वो इसका जिक्र भी कर चुकी हैं। संयोग से उनके पति असर मलिक का भी क्रिकेट से बहुत करीब बनाता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर। असर मलिक ने लाहौर के प्रतिष्ठित एचिनसन कॉलेज से डिग्री लेने के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पीसीबी से जुड़ने से पहले वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी जुड़े रहे। पीसीबी ने पिछले वर्ष पाकिस्तान में क्रिकेट के विकास के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का गठन किया था। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और स्पिनर नदीम खान को इसका निदेशक बनाया गया। स्पिनर सकलैन मुश्ताक को सेंटर में इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट का हेड बनाया गया। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रांट बर्ड बर्न को फील्डिंग कोच बनाया गया था। मलाला ने वैसे इससे पहले शादी को लेकर पहले एक इंटरव्यू में संदेह जताया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। जुलाई में फैशन पत्रिका वोक को एक इंटरव्यू में मलाला ने कहा था, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर आपको जीवन साथी चाहिए तो आप शादी के कागजों पर दस्तखत क्यों करते हैं, ये एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, मेरी माँ कहती है भूल कर भी ऐसी बात मत करो, तुम्हें शादी करनी है, शादी एक सुंदर चीज है। मलाला यूसुफजई पर तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में 9 अक्टूबर 2012 को जानलेवा हमला किया था। मलाला तब 15 साल की थी और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिए जाने को लेकर मुखर होकर आवाज उठाती थी। तालिबान चरमपंथी इससे नाराज थे और एक दिन एक चरमपंथी उनकी स्कूल के बस में आया और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसपे मलाला और उनकी दो दोस्त घायल हो गई। इसके बाद मलाला को इलाज के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और ठीक होने के बाद वो शिक्षा के लिए वहीं रहती हैं। मलाला बर्मिंघम को अपना दूसरा घर मानती हैं। 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो दुनिया में अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। मलाला ने पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद से मलाला अफगान शरणार्थियों को और बेहतर मदद देने की मांग की। उन्होंने साथ ही एप्पल टीवी प्लस के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भी करार किया है और फैशन पत्रिका वोक के कवर पर छपी, मगर उनका असल काम लड़कियों को शिक्षा दिलाने की स्थिति को बेहतर करना है। भाई जैसे कि मतलब इस वीडियो में बताया जो मलाला यूसुफजई है, मतलब इन्होंने कितना स्ट्रगल सहा है, मतलब कि जैसे कि स्टोरी मतलब इस वीडियो में बताया कि मतलब उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान मतलब उनके सर पे गोली मार दी थी और फिर भी वो मतलब अभी मतलब जो उनका जो फिर बाद में ट्रीटमेंट चला और वो ठीक हो गया। मतलब हाँ, मतलब उनको तालिबानों ने आज तक मतलब गोली इसलिए मार दी था कि क्योंकि वो जो वहाँ की मतलब कि तालिबानों ने कह रखी थी ना कि लड़कियाँ वहाँ की मतलब कि पढ़ने के लिए नहीं जा सकती वहाँ पे, वो उनके मतलब उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हाँ। उन्होंने उनकी बस में चढ़े उनके सिर पे गोली मारी थी और उनका इलाज करने के लिए वो बर्मिंघम आई, मतलब उन्होंने वहाँ पर इलाज, फिर वो शुरू से वहीं पर रहने लगी वो। हाँ, और 2017 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब इस वीडियो में बताया कि मतलब सबसे मतलब कम उम्र की में मतलब जो नोबेल प्राइज है वो विजेता रही है। मतलब कि नोबेल प्राइज पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, मतलब कि बहुत बड़ा सम्मान होता है कि आपको मतलब कि वो भी शांति का, तो
कितनी बड़ी बात, कितनी गौरव की बात होती है वो पाना। हाँ और इन्होंने हालांकि में मतलब अभी इन्होंने शादी भी करी है, मतलब वो जो मतलब क्रिकेट मैनेजर है मतलब जो इस वीडियो में जैसे बताया उन्होंने, और एक काफ़ी मतलब चर्चित में रही है ये न्यूज़। हाँ मतलब उनको पहले उन्होंने बताया था शादी के खिलाफ बोला था कि हम शादी नहीं हाँ करेंगे, हाँ ये नहीं करेंगे कि पार्टनर की जरूरत क्या होती है, बिना शादी के ही पार्टनर की जरूरत है, बिना शादी के भी हम पार्टनर के साथ रह सकते हैं, मगर फिर उन्होंने बाद में शादी के लिए अपनी मम्मी की हाँ बात मानते हुए, और उनको क्रिकेट बहुत देखना पसंद है, पसंद है। इतफाक से उनके जो मतलब कि जो हस्बैंड है वो भी क्रिकेट के मैनेजर रह चुके हैं, मतलब ये काफ़ी अच्छा तालमेल है, मगर भगवान ने सुन ली इनकी। हाँ सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते।